बेटे, इंसान को हमेशा हक सच बात करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला को सच बोलने वाला इंसान पसंद है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ से नफरत थी, वो सच बोलने वाले को बहुत पसंद करते थे। मगर दादा जान, सच कहने से तो हमारा ही नुकसान होता है। हाँ, क्योंकि अगर स्कूल में कोई बच्चा शरारत करे और टीचर पूछे वो सच कह दे तो डांट तो उसी को पड़ेगी। हाँ। बेटे, इंसान को दुनियावी छोटे छोटे फायदों के लिए आखिरत के अजाब को अपनी झोली में नहीं डालना चाहिए, और यही हकीकत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हो रहा है? दादा जान, हमें पढ़ा रहे हैं। चलो अच्छी बात। मामा कहाँ है? सायरा, सायरा, अरे आप आ गए? नहीं, मैं अभी तक ऑफिस में हूँ। यहाँ जो खड़ा है वो मेरा भूत है। अच्छा, तो मैं इसलिए बुला रहा था क्योंकि ये परचेस, ये अपने पास रख। अपने लिए कुछ अच्छे से कपड़े ले लेना, इमरान के लिए भी ले लेना, और मबली के लिए कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये तो 25,000 हैं। हाँ जानता हूँ मैं, क्यों कम लग रहे हैं? मैं और दे दूंगा, देखना बाबा के लिए भी कुछ अच्छे से कपड़े ले लूँ। नहीं नहीं बेटा, मेरे पास ऑलरेडी ढेरों कपड़े हैं, मुझे मजीद कपड़ों की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, इनमें से बच्चों के लिए और तुम लोग अपने लिए ले लेना। नहीं नहीं, इस बार तो आपके लिए शॉपिंग होगी, आपके सारे कपड़े पुराने हो गए और आप हमेशा मना कर देते हैं। बाबा सायरा बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ना हमेशा ऐसे ही करते हैं। इस बार बाबा के लिए लाजमन कुछ अच्छे से सूट लेके आना। मैं फ्रेश हो जाऊं। सलमान भाई, वैसे तो तुम्हारी कंपनी वाले हमेशा लेट सैलरी देते थे, इस बार ऐसा क्या हुआ कि महीना खत्म होने से पहले ही सैलरी बांट दी उन्होंने? वो एक्चुअली बाबा, ये सैलरी है नहीं। तो फिर इतने सारे पैसे कहां से आए तुम्हारे पास? वो आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान देते नहीं है। कुछ नहीं बाबा, वो मेरा मैनेजर जो है, वो मतलब कंपनी का जो मैनेजर है वो छुट्टी पे था आज, तो उसकी जगह जो काम वो करता है वो मैंने किया। तो हर बार कुछ कमीशन होता है ना, तो इस बार तो कमाल ही हो गया, पूरे 50,000 की सेटिंग हो गई। सेटिंग हो गई, क्या मतलब इसका? अरे बाबा, इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रहे हैं? बस ये समझ लीजिए कि हर बार ये मिठाई मैनेजर खाता था, इस बार मेरी किस्मत में आ गई। हराम की कमाई को मिठाई का नाम देने से वो जायज नहीं होती। अरे अब्बा, सब यही करते हैं, सिस्टम ऐसे ही चलता है और किसी को पता भी नहीं चलता। किसी को पता चले या ना चले, अल्लाह तो देख रहा है ना, उससे तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। अरे अबू जी, वो कह तो रहे हैं कि उनका मैनेजर भी करता है, कोई गलत काम नहीं होगा। बहू, अगर एक इंसान हराम खाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कमाई दूसरे पर भी हलाल हो जाएगी, उसे इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती। बहरहाल, ये पैसे मुझ पे खर्च नहीं होंगे। शुक्रिया बेटा। दिखाओ मुझे, क्या काम कर रहे हो तुम? ये तुम्हारी हैंडराइटिंग इतनी बुरी क्यों होती जा रही है?
मामा अच्छी तो है। एक तो बहस बहुत करने लगे हो तुम, जो बात कहती हो ना वो मान लिया करो। चलो ठीक से लिख के दिखाओ मुझे। इमरान देखो कौन है, अंदर से ही देखना। जी अकरम। जल्दी वापस आना। बाबा। वो आतिफ अंकल हैं, कह रहे हैं बाबा को बुलाओ, कोई जरूरी काम है। नहीं यार अभी दिमाग खाएगा। इमरान एक काम करो, उनको बोलो कि बाबा ना घर पे ही नहीं है, बोलो ऑफिस से नहीं आए अभी तक। ओके। रुको इमरान। सलमानी क्या कर रहे हो तुम, अपने बेटे को झूठ बोलना सिखा रहे हो? तुम यहां मौजूद हो और उसे झूठ बुलवा रहे हो कि तुम घर पर नहीं हो। पापा मैंने कौन सा उसे को बहुत बड़ा झूठ बोलने को कह दिया है? ये छोटी सी तो बात है, फिर आप इमरान को जानते हैं ना, अभी आ गया तो एक घंटा दिमाग खाएगा मेरा। अब घर है मेहमान को डायरेक्टली ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि जाओ भाई मुझे तुमसे मिलना नहीं। बेटे झूठ बोलना बुरी बात है, झूठ ही तमाम बुराइयों की जड़ है। आज तुम अपने बेटे को अपने लिए झूठ बुला रहे हो, कल कला ये तुमसे झूठ बोलेगा, उस वक्त तुम्हारे दामन में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने छोटे मोटे फायदे के लिए छोटा मोटा झूठ बोल दिया तो क्या हो गया? देखो सलमान। अरे क्या आपको मना किया है ना, मैं सुबह सुबह मत शुरू हो जाया करें, एक दिन मिलता है उस दिन भी अगर मैं, और आप प्लीज अपने असूल अपने पास रखें, आपका जमाना नहीं है। तुम क्या मुंह देख रहे हो मेरा, जाओ तुम्हें जो बोला वो करो जाओ। बस एक साइन कर रहा हूं बस। पापा कौन सा को बड़ा काम है, बस एक एक दस्तखत ही तो चाहिए आपका। देखिए इससे सिर्फ मेरी कंपनी को ही नहीं आपके बेटे को फायदा होगा, मुझे प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं बहुत। प्लीज सलमान अपने बॉस से कहो कि तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं वेरिफिकेशन कर लूंगा। अब देखिए मैं जानता हूं एक आधा डॉक्यूमेंट मिसिंग है, पर यही तो वजह है ना, उनकी कोई प्रॉब्लम थी इसीलिए फेवर मांगी उन्होंने। भाई डॉक्यूमेंट्स पूरे होते तो फिर तो मुझे नहीं बोलते ना। देखिए प्लीज सलमान, तुम जानते हो कि मैंने सारी जिंदगी ईमानदारी से नौकरी की है, और अब रिटायरमेंट के करीब आकर मैं अपने फर्ज से बेईमानी नहीं कर सकता। जो गवर्नमेंट का तरीकेकार है मैं उसी पे अमल करके काम कर सकता हूं, उसी से इनकार नहीं कर सकता। तो मतलब आप नहीं करेंगे, मतलब आप एक बार फिर मेरे साथ, बाबा आप जानते हुए भी कि आपके बेटे को तरक्की मिल सकती है, आप साइन नहीं करेंगे? सलमान आप किस लहजे में बात कर रहे हैं अबूजान से? कहने दो बहू, बोलने दो जो बोलना चाहता है। हाँ मुझे बोलना चाहिए बाबा, क्योंकि सही बोल रहा हूं मैं। अरे इतने सालों से आपकी बस यही ईमानदारी के लेक्चर सुन रहा हूं मैं, और क्या फायदा हुआ? अरे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई यार, हम वही बैठे हैं आज भी। अरे प्लीज यार मेरी मेरी खातिर कर दीजिए साइन प्लीज। मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, तो क्या मैं किसी के लिए भी नहीं कर सकता। मैं अपने फर्ज में बेईमानी नहीं करूंगा। मेरे माँ बाप ने जो ईमानदारी और सच्चाई की गुट्टी मुझे पिलाई थी वो मेरे खून में रच बस गई है, और मेरे हालत में आ रही है वो। अरे आप समझते क्यों नहीं? मानता हूं आपके माँ बाप ने आपको ये ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, पर अपने साथ लेके चले गए वो ईमानदारी और आपके असूल, आज की दुनिया में नहीं काम आते ये। आप समझते क्यों नहीं? ये तो जानते हो ना कि सपने चले जाना है, जब जाना ही है
तो इन गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर लेकर क्यों जाएं, जिनको उठाने की हमें ताकत भी नहीं है। दूसरों का हक मारकर अपने रब के सामने कैसे सुरखुरु हो सकते हैं? मैं जमाने के सामने तो शर्मिंदा हो सकता हूं, लेकिन अपने रब के सामने नहीं। बस बचपन से लेके आज तक यही, कुछ भी कहो लेक्चर शुरू हो जाता है। पर ये लेक्चर सुन सुन के मेरे ख्वाब पूरे नहीं होते। अरे क्या हासिल कर लिया आपने ये असूलों का पाठ पढ़ के? क्या है आपके पास? वही पुरानी मोटरसाइकिल, यही घर और बस चंद ख्वाब जो पूरे भी नहीं होंगे। अरे अब तो मुझे ऐसे लग रहा है आपकी वजह से ना मेरी औलाद के भी जो ख्वाब मैंने देखे वो भी मैं पूरे नहीं कर पाऊ, क्योंकि आप मेरी मदद करना ही नहीं चाहते। ठीक है, नहीं करेंगे ना आप, मत करें, नहीं चाहिए आपकी मदद। बता दूंगा अपने बॉस को, मेरा बाप मेरे ही काम नहीं आ सकता। अब मुझे रहने दो बेटा, बस अल्लाह से दुआ करो कि इसे तौफीक दे। नहीं चाहिए। क्या हो गया, आप क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं? आप तो जानते हैं ना अबू अपने असूलों के कितने पक्के हैं, मुझे पहले ही पता था वो इनकार कर देंगे। नहीं तो समझ में नहीं आता चाहते क्या है। अरे अपने सगे बेटे की मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद करेंगे? आराम से मैंने बोला, मैंने कहा आप इतने बड़े ऑफिसर हैं यार, एक फाइल पर साइन तो करना है। यानी कौन से असूल है जिन्हें पकड़ के बैठे हैं, किसी का फायदा तो होता नहीं उनसे। अच्छा आप अपना खून क्यों जला रहे हैं? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो नहीं मानेंगे, आपको उनसे पूछना ही नहीं चाहिए था। हाँ यार तुम अकलमंद हो, मैं बेवकूफ, और सबसे बड़े अकलमंद तो ये हैं जो सगी औलाद की मदद नहीं कर रहे। एक फाइल पे एक साइन ही तो करना है ना, फाइल खोल के ऐसे पढ़े ऐसे मैंने अपना निकालना नहीं पड़ा होगा यार। हर लफ्ज देख रहे हैं, ये फाइल कंप्लीट नहीं है, पूरी करा के लेके आओ। अरे बॉस को क्या जाके बोलूंगी, आपने जो फाइल दिया ना वो इनकम्प्लीट है, मेरा बाप साइन नहीं कर रहा है। लेकिन अब इतना गुस्सा करने से कुछ बदल तो नहीं जाएगा ना, आप बता दें बॉस को कि नहीं हो सकता। हलवा खाने जैसा ना आसान नहीं है ये, और जाके बॉस को जब मैं बोल दूंगा कि आपका काम नहीं कर पाया जिसका वादा करके गया था कि मैं हो जाएगा, तो क्या करेंगे? शाबाश देंगे मुझे या प्रमोशन दे देंगे? पता है मैं भी बहुत खुश थी कि आपकी प्रमोशन होगी, आपकी सैलरी बढ़ेगी, इतने सारे प्लान्स थे मेरे, सोचा था इमरान का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए कुछ सेविंग्स कर लेंगे। अरे कुछ हुआ होता है नहीं, तुम्हारी प्लानिंग शुरू हो जाती है, अपने फ्यूचर का अता पता है नहीं, तुम बच्चे का फ्यूचर बनाने चली हो, और जब तक इस घर में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे ना तो बस बन गया सबका फ्यूचर। चाय तो पीते जाएं। चाय पीने जाएं, बाथरूम में जाके पी लूं चाय। आजे बाजी बैठे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। ये तुम्हारे लिए। अरे मिठाई नए घर की है, अम्मी ने बताया था, सुनने में आया बहुत ही शानदार घर बनाया आप लोगों ने। और क्या, बनवाने में ही 40 लाख रुपए लग गए, और पूरे घर में मार्बल भी लगवाया, फैंसी किचन भी बनवाया है। मैं तो तुम्हारे भाई को मना कर रही थी, लेकिन उन्होंने कहा घर बनता है तो एक ही दफ़ा बनता है, क्यों ना अच्छे से बनवा लें। भाजी लेकिन 40 लाख ये तो बहुत बड़ी रकम है भाई जान, तो आपने बताया था किसी आम सी कंपनी में, अभी तक उधर नहीं है क्या? हाँ 20 साल से तुम्हारे भाई उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अब कंपनी के मालिक ने उन्हें पूरे गोदाम की जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन बात सुनो, गोदाम से कुछ माल इधर से उधर कर देते हैं, तनख्वाह से ज़्यादा ऊपर ऊपर की आमदनी हो जाती है। मज़े हैं आप लोगों के तो। वो तो है, पता है तुमने अभी हमने नया फ्रिज भी लिया है, वो भी फुल साइज का, लोग तो हमसे जलने लगे हैं। तुम भी अपने शौहर से कहो ना कि कुछ करें। बेटे हराम के गोश्त से बेहतर हलाल की दाल रोटी होती है। रहने दे अंकल, क्या फायदा इंसान अपनी खुशियों को मार मार के जीता रहे, ये भी कोई भला जिंदगी है? बेटे हराम की कमाई का लुकमा लजीज तो होता है मगर होता जहर।
तुम्हारे ससुर तो बड़े अजीब हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। खुद पे तो बुढ़ापा आ गया है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती होगी और हमें नसीहतें कर रहे हैं। छोड़े ना बाजी, अब्बू जान तो पहले दिन से ऐसे हैं। आराम से बना लें बाल। बस कर जाओ, खुद तो ब्रश करती नहीं हो। जी जनाब, मजा आया ना? जी दादाजान, आज तो मुझे पार्क में बहुत मजा आया। मैं तो हमेशा कहता हूँ मेरे साथ चलो, तुम ही नहीं चलते। बस दादाजान, कल से मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। बिल्कुल, खूब इंजॉय करेंगे और आइसक्रीम भी खाएंगे। बाबा कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। तो बाबा उन्होंने कहा है अगर तुम्हारे बाबा नहीं आए ना तो मुझे रिजल्ट ही नहीं देंगी। एक तो यार तुम्हारे ये स्कूल वाले ना ब्लैकमेल बहुत करते हैं। अभी कल मेरे ऑफिस में काम है बेटा, मैं कैसे जाऊंगा? अच्छा एक काम करना, अपनी टीचर से कहना कि बाबा ना काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी गए। पर बाबा आप तो यही है। फिर भूल गए? क्या समझाया था मैंने? अपने फायदे के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना पड़े तो हिचकिचाया मत करो, बोल दिया करो। सलमान ये क्या सिखा रहे हो बच्चे को? बाबा दुनियादारी सिखा रहा हूं उसे, जो आपने मुझे नहीं सिखाई, इसलिए ना मेरा कुछ खास फायदा हुआ नहीं। उम्मीद है इसका हो जाए। अरे बने नहीं बाल के अब तक, छोड़ दो उसको, चाय बना दो यार। बस आए बाबा, मैंने तो अपने दोस्तों को भी बता दिया है कि मेरे बाबा तो दुबई में रहते हैं और उनका वहाँ पे अपना एक घर भी है और बहुत बड़ा बिजनेस है। इतनी होशियार लगती तो नहीं हो। अरे क्या मतलब, होशियार है मेरी बेटी, बल्कि इंटेलिजेंट है। और तुम भी ना अमू बहन से सीखो कुछ, अब देखना क्या टोर होगी इसकी दोस्तों में। और एक तुम हो के अबू जी आपके लिए चाय बनाऊं? बेटे चीनी मत डालना, शुगर लेवल जरा हायर साइड पर है। मेरी में डालना चीनी। और पेपर सीजर्स। तुम्हें बातें कर लेते हैं। ये भागो। चलो जल्दी से छुपो। क्या चल रहा है वहाँ पे? वन इसी कंपनी में। अरे तुम्हारी बारी, चलो नहीं आपने कर ली थी। अरे कोई बात नहीं, चलो चलो ठीक है। अरे यार चलो प्लीज। हां मैं चीटिंग कर ली, जाओ जल्दी से चलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलमारी में, चलो 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 अरे में जाओ जाओ ऊपर। अच्छा सायरा मैं चलती हूँ, तुम्हारे भाई मुझे और शर को घर में देखेंगे तो बहुत गुस्सा होंगे। अरे आती रहेगा, देखिए आपके आने की वजह से वक्त इतना अच्छा गुजरा कि पता नहीं चला कहाँ गया। जरूर आऊंगी। ये बच्चे कहाँ रह गए? बंदा! अरे तुमने मुझे जैसे टूटा। नहीं नहीं मैंने नहीं चीटिंग की। नहीं नहीं तुमने चीटिंग की। नहीं 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 मैं नहीं कर रहा। तुम दोबारा नहीं, आपकी बारी, मैं नहीं कर रहा। नहीं नहीं आपने चीटिंग करी है। मैंने नहीं की, तुम हमेशा चीटिंग करते हो। अरे इमरान नहीं नहीं क्यों लड़ रहे हो बेटा भाई से? इधर आओ शर, इधर आओ, घर जाना है। इतने दिखाओ बाल अपने, क्या इधर आओ शर, चलना है ठीक है? अल्लाह चलते हैं। अच्छा सारा अल्लाह हाफिज, इंतजार करूंगी जल्द आएगा वापस। ठीक है जरूर आओ, आ जाओ। चलो तो मैं फ्रेश करवाऊं ना। थैंक यू हमें, ठीक है ना, जरूर में लड़ते रहते हो सबसे। जी
जी दादू आपने बुलाया था। कल फुरकान अंकल आए थे, तुमने उन्हें सलाम भी किया और यहीं पास से गुजर के चले गए। बड़ों का अदब करते हैं बेटा, इसी में अल्लाह खुश होता है, बरकत है इसमें। जी दादर जान, मैं आंदा ख्याल करूंगा। अच्छी बात है बेटा। बबली, बबली बेटा कहाँ चले गए? बबली क्या हुआ बेटा, कहाँ है बबली? अबू जी पता नहीं, मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। कहीं देखा है बहन को? कहाँ है? नहीं अम्मी, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा बबली को। हाँ तो ये कहाँ चले गई ये लड़की? बेटे ऊपर देखो, शायद छत पे खेल रही है। अबू जी मैंने छत पे देख लिया, पूरे घर में देख लिया, वो घर पे ही नहीं है। घर पर नहीं है तो कहाँ चली गई? ये सोच सोच के तो मुझे घबराहट हो रही है, कहाँ जा सकती है? तुम परेशान मत हो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। अबू जी जरा जल्दी कर लीजिएगा, मुझे बहुत अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं आजकल, बातें भी पता नहीं कैसी कैसी हो रही हैं। अल्लाह ने चाहा तो सब खैरियत हो जाएगी, मैं बाहर देख कर आ रहा हूँ, शायद पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही हूँ। आज अस्मा आप अभी तो आई थी, कहीं उनके साथ तो नहीं चले गए? अभी फोन करके पूछती हूँ। अस्सलाम वालेकुम अस्मा आपा। अस्मा आपा, वो बबली आपके साथ है क्या? आप आई थी तो मैं सोच रही हूँ कहीं आपके साथ तो नहीं चले गई? अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। बुजी आ जाए। सलमान, अबू जी बबली कहाँ है? सलमान बबली क्यों नहीं आई आपके साथ? मैंने हर जगह देख लिया, बबली का कहीं पता नहीं चला। मौलिक ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो ना खटखटाया हो, वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिली। नहीं, कोई झूठ बोल रहे हैं यकीनन। आप पुलिस के पास जाए से पहले अपने हाथ कुछ गलत हो जाए। फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह मिल जाएगी। नहीं, आप खबरें नहीं सुनते हैं, आपको नहीं पता आजकल छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या क्या हो रहा है। अरे चुप हो जाओ यार, क्या बोल रही हो? कुछ नहीं होगा उसे, मिल जाएगी वो। समझ में नहीं आ रहा कि बबली इस तरह गई कहां। मेरा ख्याल है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट करानी चाहिए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। आप सही कह रहे हैं, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और वहाँ बबली की एक तस्वीर भी देनी होगी। अब मेरे फोन में सबकी बहुत सारी तस्वीरें, मैं दिखा दूँगा। नहीं बेटा, हो सकता है वहाँ तस्वीर जमा करानी पड़े, देर मत करो। मैं लेके आती हूँ, अलमारी में है। क्या हुआ? क्या? अरे मम्मी, मम्मी बेटा, इसको अंदर किसने मार दिया? बेटा, मम्मी, हाँ, मम्मी, हाँ, क्यों? देखो मामा आ गई है।
बबली, बबली बेटा पापा से बात करो। बबली हो गया इस मामा, ये बात क्यों नहीं कर रही? मुझे ये आंखें क्यों नहीं खोल रही? बेटे हिम्मत से काम लो, बबली बबली को कुछ नहीं होगा। मुझे बताएं ये अलमारी में किसने बंद किया इसे? दादा जान, बबली को अलमारी में मैंने बंद किया था क्योंकि हम खेल रहे थे। तो उस वक्त तुमने क्यों नहीं बताया जब तुम्हारी माँ तुमसे पूछ रही थी कि बबली कहाँ है? तुमने कहा तो मैं नहीं मालूम, तुमने झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं डर गया था और बाबा ने ही तो कहा था अगर सच बोलने में आपका नुकसान हो तो हमें झूठ ही बोलना चाहिए। कभी दिल जो तोड़े हैं मैंने, बड़ी भूल मुझसे हुई है, वो जो चोट मैंने लगाई मेरे दिल पे भी